बात करेंगे मुंबई की, जहां पर फडणवीस समर्थक विधायक रवि राणा ने राज्य के पूर्व मंत्री विधायक बच्चू कडू पर पैसे लेकर गुवाहाटी जाने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और इस मामले पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर है और ईडी और सीबीआई के माध्यम से इसकी जांच की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये संस्थाएं मामले की जांच नहीं करेंगी तो यह उनकी निष्पक्षता पर सवालिया निशान भी खड़ा करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि विधायक रवि राणा संवैधानिक पद पर मौजूद है और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी है, इसलिए उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे जी गुट के 22 विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और बीजेपी को यही चाहिए था, नाम बाला साहब का लेना। जिस बाला साहब और शिवसेना के नाम से महाराष्ट्र में इन्होंने अपने लिए एक राजनीतिक जमीन पैदा की, उसी शिवसेना पे ये आज टूट के पड़ रहे हैं, आज उसी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कल इन्होंने उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की, आज एकनाथ शिंदे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका चरित्र चाल जो है ये ऐसी रही है, पंजाब में जाएंगे तो अकाली दल को खत्म करने की कोशिश करेंगे, बिहार में जाएंगे तो जेडीयू को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जहां जहां इनके साथ